ओ भाई, इंडिया 69 में मालिक को डोनेशन दे चुका ऑलरेडी, 43 को बेच रहा है। इंडिया ग्लोबली मेनस्ट्रीम हो चुका है और इंडिया इज बिकमिंग अ ब्रांड फॉर सो मेनी। कही कि 1 अरब खुराकें वो देंगे इंडो पैसिफिक एरिया में, सारी दुनिया में नहीं, इंडो पैसिफिक इंडिया को खुश करने के लिए। वी आर नोवेयर इन दिस स्क्वाड। इंडिया इज गेटिंग अ बिग पुश। India is getting into the global supply chain. India is getting the 5G technology. तो already उनके ऊपर काम कर रहे हैं वो। आज अपने देश के वैक्सीन पावर का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। भारत 60 से ज्यादा देशों को खुद के बल पर वैक्सीन दे चुका है। अभी क्वाड के देशों ने भी भारत पर भरोसा जताया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान मीडिया में भी भारत की तारीफ हो रही है, पर भारत में अभी भी कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिनको भारत के वैक्सीन के बारे में एतराज है। ऐसा तो यहाँ चलते ही रहता है। इस संबंध में कुछ और चर्चा इस वीडियो ब्लॉग के अंत में करेंगे। उसके पहले आइए सुनते हैं पाकिस्तान मीडिया की इस संबंध में प्रतिक्रिया। क्वाड इजलास जो हुआ, जिसके ऊपर कल भी हमने बात की, उसका फॉलोअप आज दे रहे हैं, इसमें कौन से अहम फैसले किए गए हैं, चाइना से मुतालिक क्या चीजें सामने आई हैं? मैं आपको सादा तरीन अल्फाज में बताता हूँ, नई सर जंग शुरू हो गई। जैक सुलिवियन उसका नाम है, जो कौमी सलामती का मशीर है जो बाइडन का, कह जी पहली बात उन्होंने ये कही कि 1 अरब खुराकें वो कौन सी कंपनी की है जो एक ही दफा लगाई जाती है, जॉनसन एंड जॉनसन की उसकी वो देंगे इंडो पैसिफिक एरिया में, सारी दुनिया में नहीं, इंडो पैसिफिक इंडिया को खुश करने के लिए। इंडिया बनाएगा अब इंडिया को, वो उनका अदारा है जो 24 लाख रोजाना बना सकता है खुराक 1 अरब। ओ भाई, इंडिया 69 ममालिक को डोनेशन दे चुका ऑलरेडी, 43 को बेच रहा है। $300 बिलियन यूरोपीय यूनियन इसके लिए मुख्तस कर सकी। आप जागे हैं तो जाहिर है सियासी मकासद के लिए अपने सियासत, वो जो यूरोपीय यूनियन की है वो पाकिस्तान को मिलने वाली बई में अब भी मौजूद है इतनी के भाई जो रफ्तार है, और ये अगले साल के एंड तक देंगे। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा जी एक ग्रुप बनाएंगे, वर्किंग ग्रुप, ये साइबर के लिए अपना, ये कोरोना के बारे में था तो अगर उसके बारे में था तो फैसलों की ये नोयत क्यों है। अच्छा, फिर ये है कि एक वर्किंग ग्रुप कहा उसने, जैक सविलियन ने, कि अमरीकी सफारतखाने की तारीख में बड़ा दिन है ये। फिर ये कहा मस्नूई इंटेलिजेंस के मेयारात मुतय्यन किए जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है? मतलब ये आप एक मुत्तहिदा ब्लॉक बना रहे हैं दुनिया पे हुक्मरानी करने के लिए, यानी जो ऐलानात उन्होंने किए उसके बैनुस्सुतूर में जो मैसेज है वो ये है कि चीन का घेराव करेंगे और उसके लिए इकदाम। मतलब उसने के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे बोले हैं, और ये एक बहुत बड़ा पुश है इंडिया के लिए। देखिए, इंडिया ग्लोबली मेनस्ट्रीम हो चुका है। इंडिया इज नो मोर एन इंडिया जिसको आप ये कह लें कि विच डजंट हैव एन वैल्यू। इंडिया ग्लोबली मेनस्ट्रीम हो चुका है और इंडिया इज बिकमिंग अ ब्रांड फॉर सो मेनी इन द वर्ल्ड। और पहले तो नॉर्मली ये होता था कि जो पहले इंडिया जो था वो एग्री नहीं होता था, और ये समिट लेवल की जो टॉप समिट लीडर्स लेवल की जो डिस्कशन है इसके लिए, क्योंकि इंडिया ने हिस्टोरिकली अपना वो जो स्टेटस रखा था कि नॉन अलाइंड है, तो वो इंडिया को तोड़ना था और वो इम्प्रेशन भी दुनिया को देना था। फिर वो एक चाइना को भी के हवाले से भी वो इस तरह का एक फ्रेमवर्क नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि चाइना उनका बिल्कुल एग्जैक्ट नेबर है, और रशिया के हवाले से भी, और ओवरऑल एक इंडिया ने अपनी आउटलुक चेंज की है ना इसका हिस्सा बन के। इंडो पैसिफिक का जागन जो है इसकी बहुत वर्थ है, और इंडो पैसिफिक की इस जागन की वजह से इंडिया एज ए नेशन एज ए स्टेट मेनस्ट्रीम हुआ है। इंडिया ने क्योंकि कोविड वैक्सीन बना ली है, तो जो अमेरिका ये कहता है कि जो उनका यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन है वो इंडिया ड्रग कंपनी, जो इंडियन ड्रग कंपनी है बायोलॉजिकल ई के साथ जो है ना वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा, ताकि 2022 तक तकरीबन इंडिया की मदद की जा सके कि वो 1 बिलियन डोजेस तैयार करे। इसके साथ साथ जो जापान का इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो भी कंसेशनल लोन देगा न्यू दिल्ली को, कि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है और वैक्सीन की एक्सपोर्ट जो है उसको हेल्प आउट कर सके। इसी तरह कैनबरा ऑस्ट्रेलिया का भी अपना है कि वो भी अपनी
वैक्सीन सप्लाई को आगे लेके जाएं। सो इंडिया, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इंडिया है, क्योंकि जापान ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ऑस्ट्रेलिया इज अ डेवलप्ड कंट्री, बट इंडिया इज गेटिंग इन टू द बिगर क्लब। सो जब इंडिया बड़े क्लब में जाता है तो उसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी हाई हो जाती है, इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया इज गेटिंग ग्लोबल, इंडिया इज गेटिंग वो जो डेवलप्ड वर्ल्ड के पास सारी जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई हुई है उससे वो चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सो दिस इज समथिंग वेरी बिगर प्लान है, मैं समझता हूँ गो के इंडिया जो है वो इस हवाले से समझता है कि जो चाइनीज जो जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रैटेजी है और जो बाकी हैं उनको दुनिया के सामने थोड़ा सा मेन स्ट्रीम होना है, और इट इज समथिंग विच इज गुड फॉर इंडियंस। लेकिन यहाँ पे मैं जो पाकिस्तान का डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं तो बार बार इस पे बड़ा फोकस करता हूँ कि हाउ टू बी पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक, वी कांट बी पार्ट ऑफ क्वाड बिकॉज वी आर नॉट इन दैट रीजन, बट हाउ टू बी पार्ट ऑफ द क्वाड। So either we are going to keep ourselves only in the Chinese block, या कि हमने जो policy introduce करवाई है Middle East में कि भाई हमें neutral रहना है, क्या हम उसको यहाँ पे लेके आएंगे? अब देखना यह है कि अमेरिकन जो हैं वो हमारी capacity देख के या हमारी capability देख के वो understand करते हैं कि we can't be that much powerful in that region, वो उसके लिए आपको पैसा चाहिए, आपकी बिजनेस करने के लिए भी आपकी उतनी आपकी सख्त होनी चाहिए, सो दे वोंट हैव अस देयर। हमें जो एशिया पैसिफिक के जो साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो आसियान है, उनके साथ एक इंडिविजुअल लिंक डेवलप करना होगा। अगर हमने अफगानिस्तान और इस खित्ते को, ये जितना कॉन्फ्लिक्ट जोन है, इससे बाहर ना निकले अपना, तो वी वॉन्ट बी एनीवेयर इन द रीजन, हम किसी के साथ ना कम्पीट कर सकेंगे। देखें, जब तक आप बड़े बड़ों के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, आप तरक्की नहीं कर सकते। आपको यू हैव टू एम बिग, जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और एट दिस मोमेंट वी आर नोवेयर इन दिस क्वाड। इंडिया इज गेटिंग अ बिग पुश, इंडिया इज गेटिंग इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, इंडिया इज गेटिंग द 5G टेक्नोलॉजी, तो ऑलरेडी उनके ऊपर काम कर रहे हैं वो, और उनकी अपनी लोकल जो जो है कंपनी है वही जिया और बाकी अदर्स, दे आर ऑल दे आर वर्किंग। सो आई पर्सनली बिलीव के वॉट इज रिक्वायर्ड इज के वी हैव टू मूव फॉरवर्ड, हमें थोड़ा आगे निकलना है और इन चीजों से जो रीजनल हमारे जो कॉम्पिटिशन है उनसे भी बाहर निकलना है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा कि भारत ने एक कोवैक्सीन नाम से पूर्णतः स्वदेशी वैक्सीन बनाया है, जिसका उत्पादन भारत बायोटेक हैदराबाद में हो रहा है। इसको अभी दो दिन पहले ही विश्व प्रसिद्ध हेल्थ मैगजीन लेसेंट ने खुलकर तारीफ भी किया है। दूसरी वैक्सीन जो भारत में बनाई गई है उसका नाम कोविशील्ड है। इसमें अमेरिका की एक दवा कंपनी एस्ट्राजेनिका और यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का सहयोग इसमें मिला हुआ है। इसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में हो रहा है। 9/3/20 के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में करीब 2.5 करोड़ लोगों का टीकाकरण कंप्लीट हो चुका है, और भारत सरकार ने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता अनुसार वे केंद्र से टीका मंगा सकते हैं। इसके अलावा भारत ने 579.19 लाख डोजे दूसरे देशों को, जिसमें 66 देश शामिल है, वैक्सीन दिया है, जिसमें से 163 लाख जो डोज है वह WHO को दिया गया है, 77 लाख डोज अंडर ग्रांट है यानी फ्री में पड़ोसियों को दिए गए हैं, 338 लाख डोज कमर्शियल बेसिस पर यानी पैसे लेकर बेचे गए हैं, और सबसे बड़ा खरीदार बांग्लादेश हुआ है जो 90 लाख डोज वैक्सीन भारत से खरीदा है। 163 लाख डोजेज जो WHO को भारत दे रहा है उसी में से कुछ वैक्सीन पाकिस्तान को मिला है, जिसकी चर्चा हमने प्रारंभ में किया है। आप लोगों को यह भी बताते चले कि जो आज क्वाड की बैठक हुई, जिसमें भारत सहित USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान के राष्ट्राध्यक्ष शामिल थे, इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि आप लोग भारत में पैसा लगाएं ताकि और ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन हो सके, और गरीब देशों को जो वैक्सीन नहीं खरीद सकते या वैक्सीन का आविष्कार जहां नहीं हो पाया है वहां पर पहुंचाया जा सके। भारत ने मानवता के लिए यह सबसे बड़ी गुहार विश्व के देशों से लगाई है। भारत हमेशा से विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते रहा है और आज भी वैसे ही कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।